नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बीजेपी के मुख्यालय में हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनको राज्यसभा में सदन का नेता चुन लिया गया है। वो केंद्रीय मंत्री पहले से ही हैं और स्वास्थ्य विभाग जैसा अहम मंत्रालय उनके पास है। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में शुमार हैं जगत प्रकाश नड्डा, और चूंकि बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका था और जून महीने के अंत तक के लिए उनका कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे थे जून में। अब कुछ दिन बचे हैं महीना खत्म होने के लिए, इसलिए बीजेपी ने अपने नए अध्यक्ष के लिए तलाश तेज कर दी है। हम आपको बता दें कि पहले इस तरह की चर्चाएं थी कि जगत प्रकाश नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बनाए रखा जा सकता है, उनके साथ एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जैसा कि जब अमित शाह गृहमंत्री बने थे तब जगत प्रकाश नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था कुछ समय के लिए, तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, इस तरह की चर्चाएँ बीजेपी में चल रही थी। लेकिन अब जब राज्यसभा में सदन के नेता बन चुके हैं जगत प्रकाश नड्डा, और अहम जिम्मेदारी है सदन का नेता होने की, इसके अलावा मंत्रालय उनके पास भारी भरकम है, दो मंत्रालय उनके पास हैं, तो ये दिखाता है कि जगत प्रकाश नड्डा शायद अब उतना समय नहीं दे पाएंगे बीजेपी को। और बीजेपी चूंकि इस बार स्पष्ट बहुमत हासिल करने से चूकी है और जल्द ही झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में पूर्णकालिक अध्यक्ष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बीजेपी को। और संगठन को फिर से नई ऊर्जा देने के लिए, संगठन को फिर से गति देने के लिए और बीजेपी का विजय रथ एक बार फिर से दौड़ाने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष की ज़रूरत है, एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं इस बार जो कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए हैं, पिछली सरकार में जबकि वो मंत्री थी, उनके नाम की भी चर्चाएं हैं। तो चर्चाएं बहुत सारे नामों की हैं, देखना होगा कि उन्हीं नामों में से कोई बीजेपी का अध्यक्ष बनता है या फिर नागपुर से कोई नाम आता है। हम आपको बता दें कि बीजेपी का जो चुनावी प्रदर्शन रहा है उस पर सीधे तौर पर तो नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर माना गया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने टिप्पणी की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। देखना होगा कि वो जो टिप्पणी थी, क्या उस टिप्पणी के कुछ राजनीतिक निहितार्थ हमें आने वाले समय में दिख सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि बीजेपी जब लालकृष्ण आडवाणी के समय में चुनाव हारी थी लोकसभा का, उसके बाद नितिन गडकरी को नागपुर से ही भेजा गया था। तो इस बार जो बीजेपी का अध्यक्ष होगा वो नागपुर से आएगा, या दिल्ली में जो हम जिन नेताओं को देखते हैं उन्हीं नेताओं में से कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें, अभी हाल ही में जिस तरीके से जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अपनी गतिविधियां तेज की थी, मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, तो एक बार को लगा था कि शायद वो अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन अब इसकी संभावनाएं कम हो गई हैं क्योंकि उनको राज्यसभा में नेता सदन नियुक्त कर दिया गया है। हम आपको ये बता दें कि आज भी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की एक बैठक बुलाई जगत प्रकाश नड्डा ने, और उसमें किस तरीके से जो आने वाले दिनों के जो कार्यक्रम हैं उसको अंतिम रूप दिया गया, आपातकाल की बरसी पर किस तरीके से बीजेपी देश भर में जो विभिन्न आयोजन करेगी उसको अंतिम रूप दिया गया। तो बहुत सारी जो गतिविधियाँ हैं लगातार बीजेपी में चल रही हैं। हार अगर हम देखें, हार तो नहीं कहेंगे क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में है, लेकिन जो प्रदर्शन था बीजेपी का अपेक्षा के अनुरूप जरूर नहीं रहा, ये बात सत्य है। तो वो एक झटका जो बीजेपी को लगा है, उस झटके से बीजेपी कह सकते हैं कि उभर रही है, धीरे धीरे अपनी गतिविधियां फिर से बढ़ा रही है, जनता के बीच जा रही है। आने वाले समय में और ये कवायद तेज होगी क्योंकि चार महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो ये वाली सरकार है ये और भी बड़े फैसलों वाले की होगी और भी तेज गति से कार्य करेगी, तो वो चीज़ें दिख भी रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार तब तक मजबूत है जब तक कि बीजेपी मजबूत है, और बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए जल्द ही मिलने जा रहा है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। फिलहाल आज की जो न्यूज़ थी वो ये सबसे बड़ी यही है कि जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बना दिया गया है, और अभी इससे पहले ये जिम्मेदारी पीयूष गोयल निभाते थे। पीयूष गोयल इस बार मुंबई से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो वो अब लोकसभा के सदस्य हो गए हैं, तो इसलिए ये जो पद था वो खाली था, इसे अब जगत प्रकाश नड्डा ने भर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन अनूप के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।